जो पित्त दोष है वह केवल 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 नॉन नेचुरल चीजें खाने से होता है, जिसमें हमारा फाइबर गायब हो जाता है, साग सब्जियां बिल्कुल नहीं, ओनली जंक फूड, तला गला खाना, जैसा खाएंगे वैसा ही बाहर आएगा जलन के रूप में किसी और रूप में। अब हम उपाय देखें भाई, चलो ये होते क्यों है, तो होने तो हमने खान पीन से बता दिया, अब इसका उपाय क्या? इसका उपाय बस एक है जो आपके तीनों को बैलेंस करेगा कि खाना खाने के बाद वॉक जरूर करें 5 मिनट 10 मिनट, अगर लंच के बाद नहीं हो सकते तो या सीट विद वज्रासन या अपने शरीर को बॉडी को हल्का सा खाना खाने के बाद एकदम नहीं लेते। एक तो भूखा पेट रहना भी एक एसिडिटी का कारण बनता है। एक बड़ी आयुर्वेदिक अच्छा ट्रीटमेंट है, आप इसे जिनको एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम रहता हो ना, पेट में दर्द खट्टी का, एसिड को क्या मानता है, क्षार है ना, अल्कलाइन, अल्कलाइन एंड एसिड बिकम न्यूट्रल। आप एक ग्लास पानी में रहे रोज, उसमें जो ककड़ी आती है हमारी, ककड़ी जो सलाद में खाते हैं, उसको 2 पीस डाल दें, एक नींबू निचोड़ दें और वह पानी को रहने दें रात भर। सुबह होगा वह पानी एक छान लें या वह पानी आप सेवन कर लें और उसमें पुनः पानी ग्लास भर दें, एक नींबू 2 ककड़ियां, यह आपकी 2 डोज बनाएंगी। तो एक बार आपने जल भर दिया रात को, सुबह उठे पी लिया, इट इज सिंपल अल्कलाइन वाटर नीडेड टू योर बॉडी टू न्यूट्रलाइज योर एसिडिक एबिलिटी। आंवला ले लिया सुबह, जो हमने कल बताया था, कई चीजें घूम फिर के वहीं आती हैं, कोई ऐसा नहीं क्योंकि जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि एसिडिटी की गोली अलग लो या, अरे शरीर है, पर आप ये 2 ककड़ी डाली काट के, एक नींबू का निचोड़ के डाल के काट के डाला और पानी को रेन दिया, उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्व हो जाएगा रात भर में, और सुबह उस पानी को छान के पी लिया और पुनः उसमें डाल दिया, अगर नहीं डाल सकते तो वापस ताजा लेके फिर भर दिया। आपको कभी लाइफ में एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नेवर यू लाइफ लाइक टू फेल एसिडिटी प्रॉब्लम। सामान्यतः एसिडिटी एक ऐसा रोग बन गया है जो केवल आपके खान पीन और आपकी दिनचर्या पे डिपेंड करता है, हमारे काम ना करने से एसिड का निर्माण अंदर होता है और एसिड को मारने के लिए आपको क्षार अल्कलाइन यूज करना पड़ेगा, अल्कलाइन वाटर, एंड अल्कलाइन वाटर फॉर द सिंपल चीपेस्ट रेमेडी, जस्ट कट टू कुकुम्बर, कट 1 लेमन इन अ 2 पोर्शन, पुट अप इन अ ग्लास ऑफ वाटर, कीप इन द नाइट, इन द मॉर्निंग टाइम जस्ट वेक अप एंड ड्रिंक एम्प्टी स्टमक। ओके माय गॉड, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एवरीबॉडी इज गेटिंग? तो आपके डॉक्टर भी मैंने आपको बनाने का संकल्प लिया है, आपका ज्योतिष भी बनाने का संकल्प लिया है, और आपको मतलब जैसे आपका फैमिली डॉक्टर है ना, आप ही अगर बन गए तो आपका पूरे परिवार के आप बन गए, आपके पति आपके बच्चों पे पूरा पूरा ध्यान। मैं तो चाहूंगा अपने बच्चे की पत्नी का लेके बैठ गए, यार क्या है इसमें, कभी देखो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी, बट मेरे एस्ट्रो सेशन को आप कर लो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम बैठे, है ना। सामान्यतः अभी भी जैसा कुछ लोगों का फोन आया था मेरे पास आज, हमारे मन में रहता, अरे गुरु जी प्रिडिक्शन कर लो, आपको क्या लगता है गुरु जी आगे क्या होगा? मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा वही लगता है जो आपको लगता है, आपको क्या लगता है आपकी बेटी है इसका जीवन क्या लगता है? हाँ गुरु जी पढ़ने में तो बहुत तेज है। फिर आगे अच्छा अच्छा फ्यूचर बनेगा, फिर व्हाई यू आर इंटरप्टिंग, बोलो और अच्छा बन जाए। पढ़ाई लिखाई बच्चे के भाग्य में, उसके चार्ट में, उसकी मेहनत में, उसका ध्यान किस और है, पढ़ाई में है, खेलकूद में है,
थोड़ा बहुत हम हमारे अनुशासन से, जिस प्रकार बच्चे को हम 8 साल से 13 साल तक के बीच में ही हम उसको गाइड कर सकते हैं. When your child convert in a teens, he is not going to listen your word, parental word. If you can become the friend, in that case he can listen your word. अगर आप उसके दोस्त बनकर बात करोगे उससे, तो आपके सवाल सुनेगा, और अगर आप पिता बनकर बात करोगे, कौन है? यहां से सुनेगा या निकाल देगा. तो एक सिंपल मेरा कैलकुलेशन है कि 8 साल तक बच्चे पे कोई पोषण ना डालो. 4 साल तक तो बोध ही नहीं रहता उसको. हमारी माए 3 साल की चालू हो जाती है डंडी लेके, ए बी सी डी, वो चाहेंगे तो बस चलो उनका मदर्स का, तो वो 7 साल में वो ग्रेजुएशन करवा दे. बिकॉज शी इज कंपेयरिंग विद द अदर किड. स्कूल में जो पढ़ाते हैं आजकल, स्कूल में भी अधिकांश लोगों में 8 साल के बच्चों को होमवर्क ही नहीं देते. अरे उनको बाहरी जीवन समाने दो. अगर आप देखिए, आप अगर कोई खाली मकान में गए है ना, तो आपको एकदम बोले चाय बना के लाओ, ला सकते हो क्या? अरे कहाँ किचन बनाऊंगी, कहाँ मेरा बेडरूम रहेगा, ये सब तैयारी करने में 8 साल लग जाते हैं मैडम. हम तो सोचते हैं मकान बनानी और चाय पिलाना चालू हो जाए. एग्जाम्पल, तो आप बच्चे को 8 साल तक तो उसको मस्त रहने दो. उसकी एनर्जी चेक करो, वह क्या चाह रहा है, क्यों रोता है, किस बात से चुप होता है. जस्ट ट्राई टू नो ही इज हर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. एक बच्चा अपनी मां से 8 साल तक की क्या अभी तक कम से कम 500 बार ना सुनता है, नो नहीं करना, अरे नहीं, यस, आर यू एग्रीड विथ मी. एक बच्चा ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम हमारी. हाउ यू एक्सपेक्ट व्हेन ही बिकम ओल्डर ही से यस टू, आपको नो करेगा वो? एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल मीना जी मेरी मदर, मेरी उम्र 5 साल की, 4 साल की है ना. मैं कोई चीज जीत कर रहा हूं, क्या करेंगे? नहीं करना, नहीं जाना खेलने, अभी पढ़ने का टाइम है. कुछ क्षण पल आप उसके साथ हो जाओ. कहां जाना है बेटा? खेलने चलना, चल मैं छोड़ देती हूँ. अच्छा बेटा, इसके बाद फिर वो क्या करेंगे? अपन पढ़ाई कब करेगा? और आके कर लू. ही इज अ मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपका ब्लड उसमें है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार और आपसे ज्यादा प्रूव करके दिखाएगा. उसको सीमाओं में मत बांधो. जस्ट चेक, अगर दीवार खराब कर रहा है तो आप दिमाग लगा लीजिए, उसको ड्राइंग शीट लाके दे दें. मतलब समझो कि बच्चा ड्राइंग करना चाहता है और जोर से चिल्ला रहा है. अगर कोई चीज तोड़ रहा है, इसका मतलब सोचो, तोड़ के बना रहा है, इसका मतलब आप लोग तो सब लोग समझदार है आज की तारीख में. गूगल में आप पूछे, लेकिन एक छोटी सी बातों के माध्यम से आपको थोड़ा अपडेट करो. हम सब उस ओर से निकल गए, तो वो क्रिएटिव, तो उसको समझो इंजीनियर थोड़ा टाइप, तो इस टाइप की थोड़ा गेम्स ला दिए उसको. 8 साल तक तो बच्चे से एक्सपेक्ट कुछ मत करो कि वो एबीसीडी फर बोलने लग जाए 2 साल से. हम तो आते हैं, बड़ा होता नहीं, जानी जानी यस पापा, वो बड़े खुश होते. ओह माय गॉड, अलाउ हिम व्हाट यू वांट. एंड एट, आफ्टर 8 to 12, आप यू जस्ट बिकम ए टाइट. एक बड़ा प्रशासन उस पर रखे, क्योंकि 8 से 12 तक उसका जीवन एक वर्ट एनर्जी होता है. जिस तरफ आप दिशा देंगे वह उस दिशा की ओर चले आएगा. और 13 के बाद जो आपने दिशा पाई है उसको आपको शेप देना आपका काम है. थोड़ा सा चाइल्ड के बारे में भी हमने जाना, क्योंकि आप हम तो उस दौर से निकल चुके, लेकिन आज हम किसी को नॉलेज दे सके. हमारी बहू घर में आएगी, वो बच्चे को डांटेगी तो उसको समझा सकते हैं. और एक और चीज जो मेरे को बहुत बार बोल चुका हूं मैं आपको, आप लोग है ना, आपको नहीं बोल रहा हूं, ये आप संदेश बाहर भेजना है, क्योंकि आप लोग मेरे हाथ हो, मेरे शब्द बने. जस्ट से ऑल मदर्स, सब माताओं को बोलें जिनकी बच्ची की शादी हो गई है, उन मदर्स को बोलें कि प्लीज 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 आपकी बेटी को अब बहू बनने दो. बेटी बना के मत रखो. न जाने कितने घर टूट रहे हैं.
हम बेटी बनने के बाद भी बेटी के नीचे जीवन में पूरा उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखते हैं जितना शादी के पहले। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, वह ना आपके कहने में चलेगी, वो आपसे शेयर करेगी बात, हमको नहीं कहना बेटा तेरे नए पेरेंट्स बदल गए, तेरा वेलविशर बदल गया है। हाँ कोई ऐसी चीज आ जाए कि एकदम अति हो जाए तब आपका इंटरवेंशन होना चाहिए। मेरा तो कई, मैंने दो तीन केस अभी में डील करा, एक तो मेरे फ्रेंड के साथ ही हो गया, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त शहर, अच्छा सीधा साधा परिवार, उसने क्या गुरुजी मेरे नाम कंप्लेंट डाल दी और बोले मैं जा रहा हूँ बेल कराने, कभी थाने का रूप नहीं देखा, उन्होंने क्या वकील दे मिस गई। अरे बच्ची आपकी, हमारी बच्ची को नौकरानी थोड़ी बनने गई, क्योंकि आप ध्यान रखना है आपकी बच्ची जो आपको बातें बता रही है वो हकीकत में कुछ और है। हम एक माँ के रूप में, अरे मेरी बच्ची को तेरे को तकलीफ हो गई, अरे हो तो आप अपने आप से बात करके देखो आपने कम तकलीफ झेली क्या, आपने जितनी झेली उतने ज्यादा बच्ची तकलीफ भी झेलेगी। और आज की तारीख तो मैं तो स्त्री प्रधान ही मान रहा हूं मधेश को, तो खबरों में आज की तारीख में जितने केसेस मैंने स्टडी कर रहा हूं उसके ऊपर आपको रिकॉर्ड दूंगा, जितने केसेस 498 के दहेज प्रथा के जो हुए हैं उसमें 100 में से 2 या 4% लोगों को ही सजा हुई है, कल्पित माने गए आज ओनली इज बिकमिंग फियर टू। एक आपसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, एक परिवार के रूप तो हम ये संकल्प लें कि हम ये संदेश दें, अब कोई बच्चे की शादी हो रही है ये हो रहा है तो हम कम से कम उसको बोले कि बेटा अब बच्चे और मेरी बच्ची के इतना मेरे इतने टच में लोग हैं कि वो इतना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं कि उनके हस्बैंड कमा के कितने लाखें दे रहा है पैसे और वो हस्बैंड कहाँ खर्चा कर रहा है, वी वॉन्ट टू कंट्रोल दैट ऑल्सो। ओ माई गॉड आई नो हाउ मच यू आर लविंग यूर मदर, इन द सेम मैनर ही ऑल्सो राइट टू लव हिज मदर। जिस प्रकार एक लड़की के माता पिता को प्यार करने, अपने माता पिता के प्यार करने का अधिकार है, उसी प्रकार उस लड़के को भी अपने माता पिता के प्यार करने का अधिकार है। मैं आपको मेरे घर की बात बताता हूँ, जस्ट आई एम सेइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ वाइफ लाइक हिम, इसे सभी लोगों के, लेकिन मैं थोड़ा वातावरण बता दूं। माय एल्डर ब्रदर इज बिकम 71 इन एज, ही कॉल्ड अप मी बोले टोनी माय मोबाइल हैज बीन स्विच्ड ऑफ, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें, इसको रिपेयर करवा दे। I called up one boy, मैंने क्या क्या उनके घर जाओ मोबाइल लेके आओ चेक करो, तो उस मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आई जो ठीक नहीं हो पा रहा था। इमीडिएटली आई परचेस ए न्यू मोबाइल, उसको बोला मैंने आप भी शॉप पे जाओ और नया मोबाइल लो और पढ़ के जाके दिया। जस्ट आई वॉन्ट टू टेस्ट माई वाइफ, मैंने कहा आरती यार वो, क्योंकि मैं पहले भी कुछ कर चुका था, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ क्या दे दू, बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, बोले अगर मेरा बड़ा बेटा अगर कुछ छोटे बेटे के लिए करता हो और छोटा बेटा बड़े के लिए करता हो तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना, बट यहाँ पर एक तो मेरी माफ करना मेरी पत्नी की ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन वही बात दूसरे क्यों दूसरे ब्रदर्स नहीं है देने को, आपने टीवी दिलवा दिया तो दूसरे ब्रदर को बोलो वो दिलाए मोबाइल, मतलब We always want, intention ये नहीं है, intention ये है कि मेरे पति का पैसा बच जाए। और मानिए आप लोग किसी बहन बेटी को दिया गया पैसा, बहन बेटी अपने बड़े भाइयों पे खर्चा किया का पैसा कभी ईश्वर आपका नहीं रखता है, उससे कई गुना मल्टीपल बना के आपको देता है। तो मेरा निवेदन है अगर आपकी भी बच्ची हो शादी लायक हो गई हो, अगर पति उसका अपने परिवार पे खर्चा कर रहा है कंट्रोल नहीं, वह बुद्धि रखती है इतनी कि उसको भी अपने परिवार को देखना है, अपनी पत्नी को देखना है, बच्चों को देखना है। टुडे आई थिंक आई वेंट रॉन्ग ट्रैक, बट ये चीजें भी तनाव का कारण होती है और तनाव इज द बिगेस्ट काज ऑफ एसिडिटी। आज वह पत्नी, वह लेडी जो एक लड़की की मां है, इज ए मदर ऑफ वन डॉटर फॉर सेक ऑफ डॉटर लव, she is totally attached with her and ignoring her responsibility is a wife and is a mother also, bachcho ko bhi dhyan nahi dete, or the same thing return when another lady come in the house। main aapko ek bahut acha udharan deta hu, aap mere man rakhne ki sun lo, ek top
दिल्ली की बहुत फेमस, मतलब मुंबई की बहुत बड़ी पार्टी, मतलब कहते ना अरबपति, 100-200 करोड़ खर्चा कर दी। उसके घर में वो बेटी के ऊपर कंट्रोल रखती थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी मेरी काउंसलिंग से भरत पड़ गया, उसका बच्ची की तरफ से ध्यान हटा। उसके बाद जब उसके घर में नई बहू आई तो उसके दो सर्वेंट साथ में लाई, बोले इसके हाथ की इसको कॉफी पसंद है और लंच इसके हाथ के ही खाती। शी कॉल्ड अप मी, गुरु जी आई एम सो, मेरा तो किस सर फोड़ लू, क्या करूं, क्या हो गया? बोले वो मेरी बहू आई है, वो दो नौकर साथ में लाई है दहेज में। तो ये यही हो रहा है, आज जो आप करोगे वही आपको मिलना है। हाउ मच यू फील, उस टाइम तो आपको किसा दर्द हुआ, आप वहां पर अपनी बेटी को पूरा सुख दिखवाने की सोच रहे हैं कि ये नहीं करे, ये नहीं कर, तेरे नाम करे, ये कर, और यहाँ पर आपकी किसी पराई की बेटी को प्यार देने में आपको दिक्कत हो रही। सॉरी मैं थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन पर भी माय टोटल इंटेंशन, वेन एवर योर डॉटर इज गोट मैरिड, प्लीज 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 बी एज अ ग्रूम, डोंट थिंक एज अ डॉटर, इन द केस ऑफ एनी ट्रबल वी आर। और जो लोग लड़के वाले हैं वो भी ध्यान रखें, अगर घर में बच्ची, जो अपनी बच्ची के लिए प्यार चाहते हैं वो उस बच्ची को देंगे तो कभी आपसे वो नहीं करेगी। ओनली ब्रेकिंग ऑफ द फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट कमिंग ओनली ड्यू टू द वन वाइटल रोल दे प्ले। आप सहमत है मेरी बात से? नहीं, अगर कोई असहमत हो तो मैं क्षमा चाहता हूं उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं बोलते कि सभी एक तरफ ही गलत है, ओनली द पर्सन लड़के वाले लड़की वाले गलत, लड़के वाले भी गलत होते हैं, बट ओवरऑल मेरा सिनॉप्सिस में ये है, लड़के वाले गलत हैं, हमको लड़का अगर शादी करने के बाद कोई तकलीफ दे रहा है भरा कर रहा, तो आपको बराबर अपनी बच्ची को बचाने का राइट है, लेकिन डेली रूटीन में आप इंटरप्शन अपना नहीं रखें, ये मेरा कहना है। इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, यू कैन इंटरप्ट एंड यू कैन डू डेली रूटीन। क्या भिंडी की सब्जी बनेगी कि गिलकी की बनेगी? कल तो भिंडी की बनी थी तुमने, मतलब दे आर अपडेटेड सो मच। एनीवे, अब आ जाते हैं वापस अपन अपने अष्टम ग्रह पर। आज हमने लिखा था अर्थ मेडिटेशन, हाउ मेनी फील इट, आप में से कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया? अब अर्थ मेडिटेशन मतलब क्या? आपका एट्थ रूम वह जो धरती को स्पर्श करता है, एक तो एट्थ रूम और ट्वेल्थ रूम, सामान्यतः आप बैठते हैं, योर पेल्विक रीजन सिटिंग ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर आल्सो इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, इट इज आल्सो कनेक्टेड विद अर्थ। तो इस ये जो आठवां कमरा भी हमारा बड़ा अलार्मिंग है, मतलब इन द एस्ट्रो चार्ट दे ट्रीट इट वेरी रॉन्ग प्लैनेट, उसको अच्छा ग्रह नहीं गिना गया है, उसको अच्छा कमरा खराब कमरा गिना गया है। आठवां कमरा भी जैसा छठा कमरा था वैसा एट्थ कमरा, एट्थ कमरे में क्या आता हमारा पेल्विक रीजन, पूरा धरती से जुड़ा हुआ स्थान, आठवां और बारवां, बारवां स्थान भी आपका धरती से जुड़ा होता है ना। तो एट्थ रूम में भी अगर कोई प्लैनेट है तो प्लैनेट का पॉजिटिव रिजल्ट आपको देना है, अगर कोई प्लैनेट अच्छा बेटा तो आपको जो सिद्धियां पावर है वह देगा। ऐसा नहीं कि सब एट्थ रूम में सभी खराब होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट दैट एनी प्लैनेट इन द एट्थ हाउस इज बाउंड टू गिव द रॉन्ग रिजल्ट, है ना। तो बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द इंड्यूस्ड प्लैनेट, वी आर फोकसिंग ऑन द ऑल नाइन प्लैनेट्स। तो एट्थ रूम, द एनर्जी ऑफ द एट्थ रूम इज मार्स, बिकॉज एट नंबर जो है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो नहीं मार्स एनर्जी। ओके, सो जस्ट वी गो फॉर द मेडिटेशन फॉर दैट, कि आपके किसी भी आपके चार्ट में अगर एट रूम में एनी मैलेफिक प्लैनेट है तो हाउ वी हील अवर बाय प्रेयर। एट रूम कनेक्टेड विथ योर इन लॉज फैमिली, that's why divine automatically start talking about in-laws family, whatever I said about the girl,
The same is applied on the men. Here in last paksh, अपना विश का भी है, कृष्ण जी वर्षा जी का भी है और सभी परिवारों में लोगों के है। तो वह जो चीजें मैंने बोली इसका पालन आपको भी ध्यान रखना है। आप भी लड़के वाले भी पराए घर से एक लड़की को लेकर आ रहे हैं, उस परिवार को जितना कर्तव्य हो उतना कम है आप, क्योंकि उन्होंने एक जीती जागती गुड़िया तैयार करके आपके हाथों में दे दी। इससे बड़ा जिनके कन्या है उनको कोई दान करने की जरूरत नहीं। दे जस्ट गो फॉर द कन्या दान, इट्स द बिगेस्ट डोनेशन। सो इट्स अवर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर मेन एंड वुमन दोन ब्राइड एंड ग्रूम दो ही फैमिली। तो हमारा एट्थ रूम इन लॉस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो सामान्यतः अगर आप मेन हैं, अगर आप कहते हैं मेन मर्डर मैं अर्निंग कर रहा हूं, अगर आप रिस्पेक्ट अपनी इन लॉस फैमिली को देंगे तो आपकी एट्थ हाउस की एट्थ रूम की आप नेगेटिविटी को क्लियर करेंगे, ये मान के चले आप। आपके जीवन में आपके माता पिता जितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उसी के हिसाब से आपके सास ससुर साली भी आपका स्थान रखते हैं लाइफ में। आपका फॉर एग्जाम्पल आपके कौन बताएगा, आपके वाइफ का या हस्बैंड का कमरा नंबर 7 है ना। अगर मैं मेरी वाइफ का चार्ट देखना चाहता हूं तो आई फोकस ऑन माय 7th रूम एंड वह 7th रूम से मैं 9th रूम पर जाऊंगा। तो 7th से 9th रूम हुआ 3rd रूम, मतलब 3rd रूम करेज वाला वह मेरे फादर इन लॉ का है। 10th रूम मेरा 4th रूम अगर मेरी मदर का, तो 7 से 4 गिनेंगे 7, 8, 9, 10 10th रूम मेरी मदर इन लॉ का है। दे प्ले वाइटल रोल इन योर लाइफ। ओके, ऑल द रिलेशन आई कैन ब्रिंग आउट इन द रूम। आपको जब एस्ट्रो सेशन में लूंगा मैं तब आपको समझाऊंगा। और केवल हम शरीर के अंगों पर और रिश्तों पर ही बात करेंगे। क्लियर? तो 8th रूम इन रिलेशन में आपका पेल्विक रीजन जो धरती से जुड़ता है उसको, और दूसरी चीज 8th रूम आपकी इन लॉस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़े हुए हैं आप लोग, ये धरती से यही भाग जुड़ता है, बताओ इसके अलावा कौन जुड़ता है। बाकी आप रात को सोते हैं जब चले जाते हैं बात अलग है, लेकिन मोबाइल में हम सामान्य ऑफिस में बैठे हुए तो 8th रूम के सारे बैठे हैं। ठीक है, तो लेट्स कम फॉरवर्ड फॉर द मेडिटेशन। अच्छा, जस्ट अनाउंसमेंट, इन द नवरात्रि व्हाट वी आर प्लानिंग, ऑल 9 डेज आई सिलेक्टेड एवरी वन डे फॉर एवरी वन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल वन मलेशिया, वन दुबई, फॉर वन डे फॉर दुबई ऑल्सो, where the Dubai, US, Seattle, Krishnanji, this changed something. All 9 days, I want little bit participation from one country or the cities. We tried. क्योंकि हम 9 दिन 9 देशों के साथ, अलग-अलग देशों के साथ, हम एक साथ में माता रानी के 9 दिन आ रही है, एक प्रार्थना करेंगे, वो बने शेल कुत्ती से काल रात तक, माँ ये पेंडेमिक जो इससे मुक्त करा, और हम 9 दिन पूरे के पूरे जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा में अपने शरीर को ढाल के अपनी नेगेटिविटी को किल करेंगे, हमारे तमोगुण को खत्म करेंगे, रजोगुण को खत्म करेंगे, और आखिरी के 3 दिन सत्व के गुण उसमें रहेंगे। यस, ओके। और नवरात्रि ऐसा है जैसे पुरुषोत्तम मास के बाद, पुरुषोत्तम मास में हमने साधनाएं करी राशि के बारे में जाना, और जो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, आपने पूरा पुरुषोत्तम मास नहीं, वह 9 दिन के अंदर जो इकट्ठा कचरा है वैक्यूम क्लीनर का वह हम डस्टबिन में फेंकते ना, तो 9 डेज यू थिंक लाइक दिस, हर रूम का कचरा आपका निकालकर 9 दिन में वो साफ होगा। और 9 दिन बाद एक
पूर्ण स्वस्थ आरोग्य चिंता मुक्त शरीर आपको मिलेगा और यू कैन फील द एनर्जी चेंज, ऊर्जा का जो बदलाव होगा वो आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। मैं नहीं बताऊंगा उस दिन की ऊर्जा अलग है। हाँ, क्योंकि एवरी डे इज रिप्रेजेंट वन चक्रास, चक्रास रिप्रेजेंट वन प्लैनेट। हमें थोड़ी अवेयरनेस हो गई प्लैनेट की, तो उसके बाद ये करने में आपको बहुत आनंद आएगा। ओके, हम लेट्स कम फॉरवर्ड फॉर द मेडिटेशन। अच्छा, एनीबॉडी वांट टू से समथिंग गुड? टुडेज नॉलेज सेशन इट बिकम सो लॉन्ग, बट हम आप एक परिवार का सदस्य मान के मैं चर्चा कर लेता हूं। बाकी आप बिल्कुल इस जिससे बोल रहे हैं आपके विचार पूरे बोल सकते हैं एनी टाइम, यू कैन गिव मी कॉल। और मैं माफी चाहूंगा अभी आप लोगों के फोन को मैं एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ, इट इज माय लिटिल बिट, बट वेरी सून आई विल बिकम फॉरवर्ड, वॉलंटरी आई विल बिकम फॉरवर्ड। मैं आपको स्वयं आऊंगा उन लोगों से जो वाकई जुड़े हुए हैं, है ना। तो आइए हम मिलकर ध्यान करते हैं। वार्म अप, यस, बी रेडी फॉर वेलकम माता जी। जोर से करें, सॉरी आराम से है, जल्दी जल्दी भी निकल सकते हो। शाबाशी दो, शाबाशी देने अपनी बारी है, अपने टाइम पे कंजूसी करते हो। यही व्यक्ति है जो आपको हर समस्याओं को दूर करेगा। ओनली वन पर्सन, दिस आंखें बंद करें, योर आईज क्लोज। अपना ध्यान अपने नाम पर लेकर आए, बिकम अवेयर ऑफ योर नेम। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी, अपने शरीर पर अपना ध्यान। जो भी शारीरिक समस्या आपको हो, घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, स्पाइन में दर्द, जो भी दर्द कहीं भी हो वहां पर अपना ध्यान ले जाए। बिकम अवेयर ऑफ द पेन इन योर बॉडी।
If you are carrying any chronic health issue, उस स्थान पर ध्यान दे जाए, द पार्ट ऑफ द बॉडी वेन यू हैव एनी क्रोनिकल हेल्थ इश्यू लाइक कार्डियक प्रॉब्लम, अस्थमेटिक, व्हाटएवर, recall any pain from relation, अपने संबंधों से कोई दर्द, परेशानी, any health issue to your relatives, become aware. Become aware of the place where your body is touching to your sofa chair. शरीर का आठवां कमरा जो धरती से, कुर्सी से, पलंग से स्पर्श कर रहा है, पूरा ध्यान on your head through your pelvic region. Spine state, अपने वजन को याद करें, call your weight. Recall your in-laws relation, अपने ससुराल पक्ष के रिश्तों पर ध्यान ले जाए, those are not married, they think about their siblings. पूरा ध्यान अपने ससुराल पक्ष पर. जाने अनजाने अगर ससुराल पक्ष में किसी से भी मन मुटाव हो, surrendered your all
negativity in the presence of this divine energy. Again, become aware of your 8th room. Puna apne vajan ko yaad karein. Apne naam ko yaad karein. Hara hara haraya Shiva Shankaraya hara hara haraya Shiva Shankaraya Om Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya Namah Hara Hara Haraya Shiva Shankaraya Hara Hara Haraya Shiva Shankaraya Om Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Prana Priyaya Parameshwaraya Prana Priyaya Parameshwaraya Murtyunjayaya Namah Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Hara Hara Haraya Shiva Shankaraya Hara Hara Haraya Shiva Shankaraya Om Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah 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 Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupe Sastita Namastase 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 Namo Namah
आहिस्ता आहिस्ता अपने समय के अनुसार टेक योर ओन टाइम यू कैन ओपन योर आईज ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोले और पानी का ग्लास सेवन करें कि द ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक द वाटर हाउ मेनी Good. In the last Elovali, he would like to say about Ardhanarishwar. Today is the Monday. Little bit, 3-5 minutes more. Please be with us. We are getting a different type of knowledge here. So I welcome Hello, Eliji from San Francisco, US. Om Gurubhyo Namaha. Ardhanarishwara Stotram. Chandriya Gaurardha Sarirakaya, Karpura Gaurardha Sarirakaya, Damilakaya cha Jatadaraya, Namashivaya cha Namashivaya. కస్తూరికా కుంకుమ చర్చితాయ చితారజ పుంజ విచర్చితాయ కృతస్మరాయ వికృతస్మరాయ నమః శివాయ చ నమః శివాయ జనత్పణ కంకణ నూపురాయ పాదాబ్జ రాజత్వణి నూపురాయ హేమాంగదాయ భుజగాంగదాయ నమః శివాయ చ నమః శివాయ విశాల నీలోపల లోచనాయ వికాసి పంకేరుహ లోచనాయ సమీక్షణాయ విషమీక్షణాయ నమః శివాయ చ నమః శివాయ మందార మాలా కలితాలకాయ కపాల మాలాంకిత కందరాయ దివ్యాంబరాయ చ దిగంబరాయ నమః శివాయ చ నమః శివాయ అంబోదర శ్యామల కుండలాయ సచిత్ ప్రభా తామ్ర జటాధరాయ నిరీశ్వరాయ నిఖిలేశ్వరాయ నమః శివాయ చ నమః శివాయ ప్రపంచ సృష్ట్యున్ ముఖలాస్యకాయ సమస్త సంహారక తాండవాయ జగజ్జనన్యై జగదేక పిత్రే నమః శివాయ చ నమః శివాయ ప్రదీప్త రత్నోజ్వల కుండలాయ స్ఫురన్ మహాపన్నగ భూషణాయ శివాన్వితాయ చ శివాన్వితాయ నమః శివాయ చ నమః శివాయ ఏతత్ పటే తాష్టక మిద ఏతత్ పటే అష్టక మిష్టదం యో భక్ష్యాస్య మాన్యో భువి దీర్ఘ జీవి ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యం అనంతకాలం భూయః సదా తస్య సమస్త సిద్ధిః ఇతి అర్ధనాదీశ్వర స్తోత్రం సంపూర్ణం. एक और से गुरु जी शिवा पंचाक्षरी स्तोत्र एक या दो मिनट लगेगा. हाँ, नागेंद्र okay. नागेंद्र हारा हाँ नागेंद्र हारा है गुरु जी करो. एवरीबॉडी कैन चेंट इट बट इधर व्हाट एवर इफ दे नो पंचाक्षर नागेंद्र यस पंचाक्षर मीन्स द नम शिवाय द फाइव वर्ड्स द मीनिंग बिहाइंड द कर्टन इन द पंचाक्षर यस कैरी ऑन. नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग राधाय महेश्वराय निच्छाय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमद नाद महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ వృంద సూర్యాయ దక్షాద్ వరనాసకాయ శ్రీనీలకంఠాయ వృషద్వజాయ తస్మై శిఖారాయ నమః శివాయ వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య ముని ఇంద్ర దేవాచిత శేఖరాయ చంద్రార్క వైశ్వా నరలోచనాయ తస్మై వకారాయ నమః శివాయ యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ పినాకహస్తాయ సనాతనాయ దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ తస్మై యకారాయ నమః శివాయ పంచాక్షర ఇదం పుణ్యం ఎప్పటే శివసన్నిధౌ శివలోకం అవాప్నోతి శివేన సహమోదతే శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం సంపూర్ణం. The Panchakshar Shiv Panchakshar is highly energetic. The Panchakshar means five alphabet. Na, Ma, Shi, Va, Ya. Om is a universal word. So all the five word meaning, alphabet meaning Na, Nakaraya, Makaraya, Shikaraya. The same Vakaraya, Yakaraya. So Namah Shivaya is a very simple and
highly energyful chanting of Lord Shiva. Today is the Monday. So tomorrow, Krishnanji, Guruji, to chanting something. Krishnanji, either I allotted on Thursday only. Krishnanji. Namaskaram, Guruji. I can chant on Thursday, Guruji. Okay, Thursday I have to put it for you. What to I'll chant the 108 names of Baba. It's called Shirdi Sai Ashtotra. Okay. So tomorrow we try to call. Yes, Elivali, would you like to say something? गुरुजी मैं ये शिव पंचाक्षरी स्तोत्र और अर्धनारीश्वर स्तोत्र के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. एक मिनट. वेरी गुड, बोले. ये दोनों स्तोत्र जो है ना, ये पाठ करना रुद्रम जो होता है ना, रुद्र नमकम चमकम, उसका बराबर का फल देता है. ये हर दिन चांट करे तो अच्छा है, नहीं तो प्रदोष काल होता है. त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल संसद के बाद होता है, मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं, पंचांग देखने से पता चलेगा. तो प्रदोष काल में ये पाठ करने से क्या है ना, ये रुद्रम जो हम पाठ करते हैं उसका फल देती है ये दोनों का पाठ करना. क्योंकि शिव जो है ना, वो प्रदोष काल में अर्धनादीश्वर के रूप में वो प्रदोष काल में घूमता है, पूरा ब्रह्मांड घूमता है वो. तो ये पाठ करना बहुत अच्छा फल देता है. ये प्रदोष काल में जो है ना, प्रदोष में दोष को परिहार करते हैं ना, आपका जो भी नवग्रह दोष हो या कोई भी मृत्यु के बराबर गंड हो या कोई भी हो, वो सब इन दोनों को सिर्फ त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में पाठ करना हम करेंगे तो वो सबका, सभी का घर का किसी भी काम काज वो बंद हो, सब हो, इसका फल इसके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं पंडित लोग. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल चेंटिंग ऑफ द अर्धनारीश्वर मंत्र एंड पंचाक्षर मंत्र फ्रॉम द डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली. एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू से अबाउट द एलेवेली जी, शी इज फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को एंड हाईली अटेस्ट. माय गॉड, हाउ मेनी मंत्र चेंटिंग शी नो. A South Indian, all are very, very good in the chanting. So today, just tomorrow, we will try to recall the Kapil, because he is presented the Hanuman Chalisa in so beautiful way. So tomorrow is the Tuesday. So along with our ninth house tomorrow, ninth house is represent our father element, our thighs, and especially on our spiritual mentor, your guru. So tomorrow, ninth room, along with the Hanuman Chalisa part, and anybody want to participate, just message me. Okay. I am here because you are here. I don't want to create such type of atmosphere, only one person give the lecture and all other listen. No, all are, you are equally powerful and maybe more than powerful than everybody. Okay. And I especially keeping attention, those are not taking the part, I am going to voluntarily give the part to them. Yes, Bharti ji. मुझे हनुमान चालीसा आधा आता है, मैं देख करके फिर पूरा पढ़ सकते हूँ. नहीं बेटा, वो कल कपिल को हम बोलेंगे, आप पूरा याद, हम आपसे पूरा सुनेंगे. हनुमान चालीसा आपको याद नहीं, मुझे इस बात का बड़ा दुख है. हनुमान चालीसा कंटेस्ट होना चाहिए. आप अगले ट्यूजडे तक करो, एक बार आपके मुंह से हम बगैर सुने पूरा याद सुनेंगे आप. ठीक है. Okay, very good. I am very happy. Just give a clap. She come forward to say something. एक परिवार के रूप में मानने वाला सदस्य इसको कर सकता है. बाकी बसु जी ये तो आगे जब बोलो, जब रेडी रहते हैं हम चाहते हैं everybody will take responsibility. Like Pratibha, like Tina. Everybody is not connected with us so much. वो मद्रास सेंटिंग के साथ नहीं, लेकिन घर होकर होगा. तो हम कोशिश करेंगे कल हनुमान चालीसा के लिए. और कल हम चाहेंगे कोई भी शुरू में 2-3 मिनट एस्ट्रोलॉजर कोई पार्ट ले, जिसे हम कल बात करना चाहेंगे. कोई भी एक चार्ट हम रख देंगे साथ में. जस्ट वी वांट टू टॉक अबाउट द डिग्रीज, है ना. तो आपको कल डिग्रीज के बारे में पहले हम बताएंगे कि जो आपके नंबर लिखे हैं 10 नंबर 11 नंबर, ये नंबर का ऑनर कौन है. आप जोडियक का नाम याद नहीं रखो, आप केवल नंबर का याद रखो. जैसे आपको बताया हमने मार्स
1 and 8, जहां पर एक नंबर लिखा है यहां पर आठ नंबर लिखा है, इमीडिएटली आप सोचना द टू आर कंट्रोल्ड बाय द मार्स. व्हेनेवर यू फील 3 नंबर और 6 नंबर 3 6, इमीडिएटली थिंक इट्स ए मर्क्यूरी. 2 and 7, इमीडिएटली यू थॉट ओ माय गॉड इट्स ए वीनस. 10 and 11, सैटर्न. 9 and 12, जुपिटर. एंड 4 नंबर, ओनली 4 नंबर, मून. एंड 5th नंबर, सन. तो ऑटोमेटिकली यू कैनॉट नो माय गॉड देयर 5th नंबर, ओ माय गॉड सन विल रूल. ओ माय गॉड ये रूम को रूल करने वाला कहां पर बैठा. अब आप देखेंगे सन यहां पर बैठा है. वो सन कहां भी बैठा हो लेकिन उसका काम है 5th नंबर पे ध्यान देना. हम ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नॉलेज आपको देंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी एक अच्छे ज्योतिष, अच्छे एक वैद्य बन पाए परिवार के लिए. धन्यवाद. कल मिलते हैं सेम समय. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें.